Yo, what's up guys? तो कैसे हैं आप सब? Welcome back to another gameplay video. तो कैसे आ चुके हैं और new GTA 5 video के साथ वापस. और guys आप सभी को याद ही होगी last video में हम लोग गए थे भाई ये कावासाकी निंजा 300 भाई परचेज करने के लिए. भाई अपने पास काफी ज्यादा पैसा आ गया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई हम एक शोरूम भी लेने वाले हैं. तो भाई मैं क्या सोच रहा हूँ कि अभी अपने पास उतने पैसे नहीं है कि भाई जितने में हम एक शोरूम भी ले लें और भाई एक मतलब गाड़ी वगैरह हर एक चीज खरीद ले. तो भाई उसके लिए मैंने कुछ एकदम तगड़ा प्लान सोचा. मैं आपको बताता हूँ रास्ते में. फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ एक डीलर के पास जो कि भाई बनाता है शोरूम वगैरह. तो भाई मैंने सोचा कि अपने पास जितने पैसे उतने में एक शोरूम बन जाएगा. थोड़ा बहुत मतलब महंगा तो नहीं बनेगा बट बन जाएगा. तो भाई एक शोरूम बनवाएंगे. हम जा रहे हैं एक डीलर के पास, उससे बात करेंगे भाई आखिरकार कितने पैसों में अपना शोरूम बन जाएगा और भाई बाकी का जो पैसा बचेगा उसे अपने शोरूम में भाई नई नई सुपर कार लाकर खड़ी करेंगे. भाई कुछ इस तरह से हम अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं. तो देखते हैं क्या होता है. और भाई एक मस्त डीलरशिप वाला बंदा है जो कि भाई हर एक चीज लॉस एंजेलिस में भाई शोरूम बनाना घर बनाना उसका आम बात है. तो उसी के पास जाएंगे और भाई बात करते हैं कि देखते हैं हमारा शोरूम कितने में बनाता है और भाई बनाएगा कि नहीं. तो लोकेशन तो भाई मुझे लेस्टर में दिया था, इधर ही था आसपास. किधर जाना है भाई? लेस्टर से ही मैंने पता किया भाई इस बंदे के बारे में शोरूम बनवाना है. ऐसे ही किसी से भाई शोरूम बनाएंगे तो भाई सारा का सारा पैसा लूट लेगा. एक सेकंड पर भाई मुझे ऊपर जाना था, अभी मैंने ध्यान दिया मैप में नहीं तो मैं भाई नीचे घूम रहा था. मैं यही सोच रहा हूँ कि आखिरकार ऊपर जाए तो जाए कैसे. चलो ठीक है, अभी मुझे अच्छे से रास्ते मिल चुका है भैया आराम से. और भाई लेम्बो चलाने में कसम से बहुत मजा आ रहा है, काफी दिनों बाद में लेम्बो चला रहा हूँ. तो ओके वही ये लोकेशन है और भाई साहब ब्लैक फॉर्च्यूनर देख रहे हो, बंदा अलग ही स्वैग में एकदम ब्लैक फॉर्च्यूनर लेकर घूम रहा है भाई. चलो फॉर्च्यूनर की बात की थी अलग है. फिलहाल मैं आ चुका हूँ अपने लोकेशन के पास. तो मैं गाड़ी कहाँ पे पार्क करूँ यार, आपकी समझ नहीं आ रहा. इधर थोड़ा बहुत तो एरिया बट इधर बंदे खड़े. ओ सॉरी 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 भाई, इसके मैं गलती से ठूक गया. चलो कोई दिक्कत नहीं, उसको मैंने सॉरी बोल दिया. ओ भाई साहब चोट में आ रहे हैं भाई तुम्हारी तो. सॉरी तो बोलो. अबे नहीं ओए रुक जा भाई, मुझे भी मार रहे. अबे हट भाई, अबे भाई मुझे हटना पड़ेगा. एक सेकंड अबे मार मत, रुक 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 तेरी तो. ओ भाई ये ले, अब बोल तो चला, अब बोल फालतू मेरे से. हाँ अब बोल फालतू भाई. एक ही गुस्से में ढेर हो गया वहां पे. मैं जैसे ही गाड़ी से निकला भाई एकदम लगा लगातार मारने, तो कुछ समझ में नहीं है. लेकिन अब भाई ये दोबारा उठ नहीं पाएगा क्योंकि मैंने इसको अच्छे तरह से इलाज कर दिया. अगर कोई कंटिन्यू मारते रह जाए तो अपन कैसे मारेंगे, समझ रहे हो ना. तो चलो ठीक है, इसको मारती है. अभी भाई यहाँ से अपने को ऊपर जाना है तो चलते हैं ऊपर और भाई वो जो डीलर है ना उससे बात करते हैं. ओके गाइस, तो फाइनली मैं ऊपर की तरफ आ चुका हूँ. और भाई अपने को जाना किधर है, मुझे तो कोई ऑफिस ना दिख रहा है यहाँ पे. ओके ओके ये एक ऑफिस दिखा है, सामने एक एजेंट खड़ी है. तो इसे बात करते हैं कि भाई इनके सर कहाँ पे है. ओके गाइस, तो फाइनली ये जो एजेंट खड़ी थी इससे अपना बात हो चुका और भाई ये बोल रही है कि पीछे की तरफ उनका ऑफिस है, आप जाओ वहीं पे मिल जाएंगे. तो चलते हैं देखते हैं इधर उनका ऑफिस कहाँ पे. यहाँ पे लैपटॉप वगैरह पड़े. और ये क्या चीज है भाई, वो भाई सब पूरा का पूरा लॉस एंजेलिस का गाइस सेम मैप है, देख रहे हो. मतलब भाई कहाँ पे इन लोगों को घर बनाना है, शोरूम बनाना है, भाई हर एक चीज का हिसाब रख रहा है ये बंदा. ओके ओके, तो जो सामने बंदा है ना यही शायद से डीलर है जो कि भाई बनाता है घर वगैरह. तो चलते हैं बात करते हैं. ओके हाँ, तो गाइस फाइनली इस बंदे से अपनी बात हो चुकी और भाई ये माइकल का घर का लोकेशन अपने कंप्यूटर में चेक करे और बोला कि चलो नीचे थोड़ी देर वेट करो मैं आता हूँ. तो ओ भाई ये मेरे से पहले आ गया क्या? नहीं भाई, चलो ठीक है अपने से पहले आ गया पता नहीं क्यों. और ये अभी तक यहीं पे पड़ा है, इसको कोई उठा कर नहीं ले गया भाई. और भाई अपना जो डीलर वाला बंदा है ये भाई कोई मतलब लिफ्ट वगैरह यूज करके मेरे से जल्दी आ गया नीचे. और भाई इसने माइकल का घर का लोकेशन चेक कर लिया. और ये देखो भाई अपनी लेम्बो अपन मस्त घुमा लिए, बट यार ये ऐसे ही पूरा दिन पड़ा रहेगा. एक काम करते भाई पैरामेडिक्स को कॉल कर देते ताकि एम्बुलेंस आकर इसे उठा ले जाए, नहीं तो यहाँ पे पड़ा रहेगा तो भाई गलत सीन होगा इसके लिए. Hello, this is 911. What emergency service do you require? Okay. पैरामेडिक्स, तो भाई हमें एक एम्बुलेंस चाहिए और एम्बुलेंस वाले आएंगे. ओके ओके, तो इसको लेकर आएंगे भाई इस लोकेशन पर, इसको उठाकर लेने लेते जाएंगे. और जो अपने साथ बंदा है भाई
शोरूम बनाने वाला, तो इसका क्या नाम रखते भाई? डीलर ऐसे तो ठीक है, डीलरशिप, बस इसका नाम कुछ अच्छा सा रखना चाहिए। चलो ठीक है, बाद में सोचेंगे इसका नाम क्या रखे, बस इससे शोरूम ही तो बनवाना है। फिलहाल इसने बोला है कि अपने घर का लोकेशन बता दो मुझे, वहाँ पे चल कर भाई दिखा दो कि आखिरकार तुम्हें शोरूम बनाना कहाँ है। और गाइस अभी तक मैंने आपको भी नहीं बताया कि आखिरकार हम शोरूम कहाँ पे बनवाने वाले हैं। तो चलो भाई एकदम मस्त सोचा है मैंने, बस आप लोग देखते जाओ, मजा बहुत आएगा। फिलहाल भगाते अपनी लैंपो को यहाँ से और चलते हैं जल्दी से अपने घर पे। ओ आराम से आराम से आराम से, पता चले भगवाने के चक्कर में भाई अपनी लैंपो अलग ही ठुक जाए और इसमें कोई तगड़ा नुकसान बैठ जाए तो भाई ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ। कि भाई एक कावासाकी निंजा ले लियो वही बहुत है अपने लिए, और भाई फालतू पैसा खर्च करेंगे तो शोरूम बन नहीं पाएगा। इसलिए चलते हैं जल्दी से घर पर भाई, बस थोड़ी इधर में हम घर पे पहुंचने वाले हैं। ओके तो जाओ भाई पहले तुम ही चल। ओ भाई कुछ ज्यादा ही हेवी ड्राइवर नहीं बन रहा है बंदा, देख रहे हो एकदम कट मार कर निकाल दिया, लेकिन भाई गाड़ी भी घुस गया उसने। चलो कोई बात नहीं, हम चलते अपने घर में। और भाई अपनी जो सारी गाड़ी है KTM कावासाकी निंजा फॉर्चुनर, भाई सारी गाड़ी यहीं पे खड़ी है तो इसको भी मैं मस्त बैक करके यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ। ओके तो चलो भाई उतर जाओ। और भाई अब आप लोग देखने वाले हो वो एरिया जिसको भाई आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि हम आखिरकार शोरूम बनवा कहाँ पे रहे हैं। तो भाई थोड़ा देर सबर करो, आप लोग को शायद से मैंने दिखाया नहीं दिखाया, दिखाया होगा मुझे जहाँ तक याद है। भाई एक टेनिस कोर्ट है जहाँ पे भाई माइकल अपना टेनिस वगैरह खेलता है, यहीं पे भाई हम सोच रहे कि अपना शोरूम बनवा दे, क्योंकि भाई अगर हम यहाँ पे शोरूम बनवाएंगे ना तो ये माइकल का घर का एरिया और यहाँ पे अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और मस्त अपना शोरूम भी बन जाएगा। तो एक बार इसे बात कर लेते हैं। और ये पुलिस कहाँ से, ये देखो भाई बंदों ने नीचे कलेश मचा रखे, नेट फेंक दू क्या यहाँ से? नहीं नहीं कुछ नहीं फेंकता हूँ, नहीं तो पता चले जो अपने साथ बंदा है भाई ये अलग ही डर जाए। तो इसको भाई कुछ नहीं दिखाते, इसको ऐसा दिखाते हैं माइकल एकदम शरीफ सा बंदा है, कोई गैंगस्टर वाला सीन नहीं होना चाहिए। चलो भाई मैं इससे यहाँ पे आकर ये जो एरिया है गाइस यहाँ पे हम अपना शोरूम बनवाने वाले हैं, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इस बंदे से। यहाँ पे भाई माइकल अपना टेनिस खेलता है, ओके तो इसे बात करूँ मैं। ओके गाइस तो फाइनली अपनी बात हो चुकी है। और भाई ये बंदा जो बोल रहा है कि अगर आप यहाँ पे बनवाते हो शोरूम तो जो पीछे वाला वॉल है उसको तोड़ना पड़ेगा, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है तोड़ देना। और भाई एरिया भी काफी ज्यादा बड़ा है तो इसने 2 दिन अपने से टाइम मांगा। और भाई ये बंदा बोल रहा है कि अगर तुम यहाँ पे अपने शोरूम बनाते हो तो पीछे की तरफ रोड भी और भाई हाईवे से जितने भी लोग जाएंगे ना उतने सारे लोगों को अपना शोरूम दिखेगा और भाई गाड़ी भी दिखेगी, तो गाड़ी भी बहुत ज्यादा बिकेगी, तो भाई ये बहुत अच्छी चीज है। तो हम लोगों ने भाई डिसाइड कर लिया। और भाई ये बोला है कि अभी चल कर तुम पेमेंट कर दो, और भाई ये बोल रहा था कि तुम अपने कावासाकी पे घुमा दो। चलो भाई आ जाओ तुम्हें कावासाकी निंजा पे घुमा देते हैं, बैठ पाओगे ना कम से कम? ओके ओके तो गाइस ये जो बंदा था ये कावासाकी पे बैठ गया, बस गिरे ना पीछे की तरफ अगर मैं ज्यादा तेज भगाऊं तो भाई इसने बोला है कि मेरे ऑफिस पे जाके जो एजेंट खड़ी थी वहां पे जाकर भाई उसको पेमेंट कर दो, और भाई जैसे ही पेमेंट करोगे आज रात या शाम तक हम लोग काम स्टार्ट कर देंगे शोरूम का। तो चलते हैं भाई इसको जल्दी से लेकर और पेमेंट में ऑनलाइन कर देता हूँ, क्योंकि जितने भी पैसे अपने घर पे पड़े थे ना उसको मैं ले जाकर लास्ट टाइम बैंक में डाल दिया था, तो भाई अभी ऑनलाइन पेमेंट करने कोई दिक्कत नहीं। और भाई रास्ते मुझे अच्छे से यहाँ पे याद हो चुके हैं। तो चलो भाई और ये पता नहीं कहाँ जाएगा, यहीं पे उतार देते हैं और हम ऊपर चलते हैं भाई, और मेरी कावासाकी निंजा चोरी नहीं होना चाहिए। तो चल भाई तू उतर जा, जिधर जाना है जा। और भाई अभी जाएगा सारे वर्कर को कॉल करके बुलाएगा और माइकल के घर के पास बुलाएगा, तो मैं चलता हूँ सबसे पहले ऊपर। और भाई ये जो एक सेकंड में रास्ता भूल रहा हूँ क्या, हाँ पीछे जाना अपने को, और ये जो एजेंट है ना इसको जल्दी से ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। ओके ऑल डन गाइस, तो फाइनली जो पेमेंट का काम था वो हमने कर दिया, और भाई पूरे को पूरे $500 million भाई इसने बोला था पेमेंट करने के लिए, तो भाई मैंने कर दिया। और भाई जो बाकी पैसा बचा है देखते हैं शोरूम बनेगा तो उसके बाद अपने क्या करेंगे, भाई गाड़ी परचेस करेंगे या फिर कहीं से उठाएंगे। तो बस गाइस आज की इस वाली गेम प्ले वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको ये वाला गेम प्ले वीडियो अच्छा लगो। अगर अच्छा लगो तो भाई अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि भाई जो अपना डीलर है उसने 2 दिन का वक्त मांगा है शोरूम बनाने के लिए। मैंने बोला कि भाई जितना जल्दी हो उतना जल्दी अपना शोरूम बना दो, तो भाई उसने 2 दिन का वक्त मांगा है तो भाई बना देगा। और भाई जो भी बंदे चैनल पे नए हो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भाई बेल आइकन को कर दो ऑल पे, और कमेंट बताओ कि आपको ये वाला गेम प्ले वीडियो कैसा लगा। और जिसने भी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, जाओ फॉलो कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक। Peace.